नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मैं खास मुलाकात में नित नए मेहमान आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा जो विश्व के पहले स्कॉलर बने हैं, भारत नहीं पूरे विश्व के। और ये स्कॉलर उत्तर प्रदेश की उस सरजमी से आते हैं जहां स्वतंत्रता का आंदोलन मेरठ शुरुआत होती और उस मेरठ के जन्म उस जांबाज अधिकारी ने खुद को एक अच्छे प्रोफेशन में लाने के बावजूद भी अध्ययन से विरत नहीं हुए और अध्ययन करते करते लगातार आज इस मुकाम पर पहुंचे का विश्व के उस फलक पर जाकर एक ऐसे डिग्री को हासिल किया है जिसे आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि एक आईपीएस अधिकारी ने अधिकारी होते हुए इतिहास रच दिया। और पढ़ाई करते करते 3 PhD करने के बाद एक ऐसी डिग्री हासिल की जो विश्व में पहली बार मिली है। आइए सीधा आपसे रूबरू कराता हूं डॉक्टर जी के गोस्वामी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो बधाई, धन्यवाद कि आप विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और मेरठ के उस गांव का भी नाम रोशन कर रहे हैं जहां जन्म हुआ था, उस माँ बाप का भी नाम रोशन कर रहे हैं जिनके परिवार में आपने जन्म लिया, उस समाज का भी नाम रोशन कर रहे हैं और खास करके अपने उस प्रोफेशंस का भी नाम रोशन कर रहे हैं जिस कैडर में आप आते हैं, यूपी का आईपीएस कैडर। पहला सवाल मेरा यह है कि इस डिग्री का मतलब क्या है, लोग जानना चाहते हैं, जब विश्व में किसी को मिली है तो पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। हाँ शिव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे इस डिग्री के बारे में और इससे जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आम जनमानस को जानने चाहिए, क्योंकि लोगों में उत्सुकता है, मुझे फोन करके भी काफी लोगों ने जानकारी चाही, तो ये आपके चैनल से और ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी। मैं इसके बारे में कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में है वो विश्व की एक अनूठी यूनिवर्सिटी है और जो हमारे भारत वर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब वो माननीय मुख्यमंत्री गुजरात में थे तो 2008 में उनके द्वारा गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर का शिलान्यास किया गया और GFSU अस्तित्व में आई जो विश्व की पहली फोरेंसिक साइंस के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी बनी। जी, भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उस GFSU को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देते हुए नेशनल इंपोर्टेंस का इंस्टीट्यूट बनाया और उसका नाम नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दिया। तो वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो विश्व में अकेली है, पहली और अंतिम। तो फोरेंसिक साइंस को डेडिकेटेड रूप से पढ़ाने वाला एक ऐसा संस्थान बना। अब आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा संस्थान जो उत्तर प्रदेश में बन रहा है UPSIFS उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस, वो दूसरा संस्थान है जो डेडिकेटेड संस्थान है। फोरेंसिक साइंस पढ़ाई के लिए बहुत से और भी यूनिवर्सिटीज के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी या पूरा इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड नहीं है, यही दो इंस्टीट्यूट हैं अभी जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड। तो जब मैं पहली मैंने PhD जब सर्विस में आया था, मैं उस समय PCS था, तो उस समय मैंने JNU से MPhil PhD करने के बाद, हालांकि वो जो मुझे डिग्री थी वो किन्हीं कारणों से मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी से दाखिल करनी पड़ी, चूंकि मेरे घर की परिस्थिति थोड़ी विषम हो गई थी, तो सर्विस में आने के बाद मैंने पहली PhD जब आ गया था मैं, तो 1997 में की, जो ड्रग केमिस्ट्री पे थी। उसके बाद मैं सर्विस में आया, IPS बना और UP कार्डर मिला, फिर मेरा इंटरेस्ट LLB की तरफ हुआ, फिर मैंने 2008 में एडमिशन लिया जब मैं DIG हो गया था और 2011 में मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB के अंदर, और फिर ये जर्नी चलती रही। फिर LLM किया और मैंने 2018 में कंप्लीट की सेकंड PhD, और तब तक मेरा इंटरेस्ट फोरेंसिक साइंस पर्टिकुलरली DNA के फील्ड में काफ़ी हो गया था। मुझे ये लगा पुलिस ऑफिसर होने के नाते, और जब मैं JNU में था
तो वहां पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए ये सब पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे ये बात समझ में आई कि डीएनए फोरेंसिक्स जो है वो मानव पहचान के लिए बहुत बड़ा एक टूल है और वो सही मायनों में न्याय करने में सहायक हो सकता है। और मुझे ये भी महसूस हुआ कि मैं एक वैज्ञानिक रहा हूँ, एक पुलिस अधिकारी भी हूँ और मुझे अब कानून की भी मैंने पढ़ाई की है, तो ये जो तीनों का सम्मिश्रण हुआ तो मुझे इसको कुछ और आगे रिसर्च में ले जाना चाहिए। और चूंकि मैं रिसर्च का शोध छात्र रहा हूँ तो मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था, ये भी बात सही। तो मेरा संपर्क NFSU से जब से था, जब ये GFSU के रूप में स्थापित हुई थी, जो डॉक्टर JM व्यास साहब है उनसे मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, परिचित थे मेरे को। तो ऐसे ही बातचीत में एक बार उन्होंने कहा कि आपका तो रिसर्च में बड़ा शोध पे बहुत मन है, तो क्यों ना हम DSC के बारे में सोचें। तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि पोस्ट डॉक्टरल डिग्री थी और वहां पे फिर मैंने एक प्रपोजल दिया और वो प्रपोजल पास हो गया। लेकिन कुछ कारणों से उसमें कुछ UGC का कुछ रूल्स के बारे में कुछ कंफ्यूजन हुआ, फिर वो दूर हुआ और अंततोगत्वा मैंने PhD ये के बाद DSC की डिग्री ठीक 2 साल में कंप्लीट की जी। और ये भी एक रिकॉर्ड बना जी। और इसमें ये जो मेरा इसका जो इसका टाइटल है रिसर्च का, जो DSC का, वो है रोल ऑफ फोरेंसिक्स इन स्ट्रेंडिंग चाइल्ड राइट, पर्टिकुलरली रोल इन पॉक्सो केसेस। तो ये जो चाइल्ड राइट है, खास करके जो सेक्सुअल अब्यूज विद चिल्ड्रन है, उसको लेकर के किस तरीके से हम फोरेंसिक साइंस को यूज करें, उसमें मैंने तब के करीब 4,400 से अधिक जो जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, उनको अध्ययन किया। और ये एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च है जिसे शोध गंगा पे अगर मेरे नाम के साथ टाइप करेंगे तो वो प्रकट हो जाएगी और कोई भी आदमी उसे डाउनलोड करके देख सकता है। जो मेरी टिस की रिसर्च है वो भी शोध गंगा पे है और ये जो DSC वाली जो डिग्री है ये भी शोध गंगा से डाउनलोड की जा सकती है। तो इसके करने से मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे एक ओवरऑल पता चला कि किस तरीके से विभिन्न न केवल DNA बल्कि जो और भी फोरेंसिक के जो और टूल्स हैं, जैसे आपका फिंगरप्रिंट है, वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या फेस रीडिंग है, कैमरे के, जैसे बच्चे कई बार गायब हो जाते हैं तो कई बार कैमरे के जो इनपुट होते हैं, कहीं पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, उनमें क्या क्या चैलेंज आते हैं। उस जैसे उसमें एक लास्ट सीन थ्योरी होती है, बच्चा अगर किसी के साथ लास्ट अंतिम रूप से देखा गया तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो इस रिसर्च के करने से मुझे ये महसूस हुआ कि हम किस तरीके से फोरेंसिक साइंस को यूज कर सकते हैं। और जब आप किसी भी चीज को या किसी भी एविडेंस को जब आप कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से पढ़ते हैं तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का पता चलता है। नहीं तो कोई भी अगर अध्यापक से आप पढ़ोगे, किसी भी पुस्तक में आप पढ़ोगे, तो वहां क्या होगा कि वो एक तरफा बात बताएंगे। नॉर्मली किसी भी आप फोरेंसिक एक्सपर्ट से बात करोगे तो वो अपनी टेक्नोलॉजी की हमेशा पॉजिटिव साइड ही ज्यादा बताएंगे। लेकिन कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में दोनों पक्ष होते हैं, प्रोसिक्यूशन भी होता है और डिफेंस भी होता है, तो वहां हर चीज जो है वो बिल्कुल थ्रेडबेयर उस पर डिस्कशन होता है जी। तो आपको पूरी उसकी जो वीकनेस है किसी भी एविडेंस की और जो उसकी स्ट्रेंथ है, तो मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को जजमेंट की एनालिसिस से मिला। और मैं उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं ILI के माध्यम से जिसका नाम है एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन लॉ, उसमें भी मैं 2013 से फोरेंसिक लॉ के लिए एक स्पेशल फीचर लिखता हूँ जिसमें एनुअल जो जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुए हैं, और वो एक ऐसी ग्रंथ है कि जो हर एडवोकेट और हर ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट और सभी जजेज जो हैं, उस पुस्तक को बहुत गंभीरता के साथ उसको लिया जाता है, क्योंकि वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तत्वाधान में निकलती है, तो वो उस पुस्तक का बहुत महत्व है। तो ये जो मेरी 12-13-15 साल की जो जर्नी थी, इसने मुझे चीजों को बहुत गहराई से समझने का मौका दिया। और ये डिग्री, चूंकि और कहीं ये फोरेंसिक की यूनिवर्सिटी ही नहीं है, और फोरेंसिक साइंस और लॉ में
मैंने ये सम्मिश्रण के साथ दोनों को जोड़ा, तो ये जो रिसर्च वर्क है इसका जो असली काम ये है कि फोरेंसिक साइंस और लॉ का पहले तो उनको दोनों का समन्वय कैसे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनको दोनों को अगर हम अलग अलग ढंग से देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि अल्टीमेटली फोरेंसिक साइंस को यह समझना होगा कि जो उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया वो प्रोडक्ट का असली टेस्ट जो है वो कोर्ट में होगा, और जो हमारे न्यायाधीश हैं या जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं या इन्वेस्टिगेटर्स हैं, डिफेंस लॉयर्स हैं, उनको ये समझना होगा कि फोरेंसिक साइंस की गहराई में तथ्यों की पहचान कैसे की जाए। ये नहीं है कि केवल आपने एक्सपर्ट ओपिनियन की केवल फाइनल जो उसके रिजल्ट का जो उन्होंने कंक्लूजन लिखा वो पढ़ लिया। तो ये अध्ययन जो है ये काफी समग्र है और इससे काफी कुछ चीजें जानने को और सीखने को मिली, तो ये इसका एक सम्यक रूप है। तो मैं इसलिए पहला व्यक्ति बना कि ये डिग्री NFSU देता है और कोई और दूसरी जगह ये डिग्री अभी तक प्रारंभ ही नहीं की गई है। अच्छा, चलिए बधाई डिग्री मिलने की, और विश्व के फलक पर अगर आप नाम भारत का रोशन करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। मैं सीधा बस आपसे एक सवाल करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पुलिस अधिकारी, वेल सेटल्ड, IPS बनने के बाद कोई फिर आगे का और जॉब बचता नहीं, IAS IPS बनने के बाद, लेकिन वो अधिकारी आज भी अध्ययन में मशगूल है, वो एक छात्र बनने की प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्या कहना चाहते हैं या साथी अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ी है इस अध्ययन की? IPS जब विश्व की सबसे बड़ी जो कैडर है, सर्विस है, उसमें आप ज्वाइन कर गए, उसे पास कर लिया, पूरे विश्व की आज 142 करोड़ जनसंख्या है तो उसमें से सिर्फ 1000 लोग चयनित होते हैं जो IPS IAS IPS और IRS और IFS चुने जाते हैं, उसमें से आप एक उम्दा व्यक्ति हैं उस 142 करोड़ जनसंख्या में से, उस समय कम रही थी जब आप चयनित हुए थे। आज भी अध्ययनरत, लगातार स्टडी, लगातार रिसर्च, क्या ठाना एक वैज्ञानिक, पहले तो IPS अधिकारी बन गया और फिर वो वैज्ञानिक, फिर वैज्ञानिक में अपना रिसर्च में वापसी, तो सर क्या है ये सब? देखिए, मेरा जीवन का जो मूल मंत्र है वो मेरा मूल मंत्र ये है कि नॉलेज ही पावर है। अगर आप कभी भी आपने कोई परीक्षा मान लिया, पास कर ली, ठीक है, UPSC की अपनी एक महत्व है, UPSC की परीक्षा का, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने UPSC पास नहीं किया कि कोई वो विद्वान नहीं है या कोई वो उसे किसी तरीके से कम आंका जाए। ये कई बार आपका इसमें मेहनत जरूर है, सभी लोग मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेहनत के साथ साथ किसी भी परीक्षा को पास करना या किसी भी गोल को अचीव करना, उसमें मेहनत के साथ आपका प्रारब्ध भी है। कहीं ना कहीं कुछ हिस्से तक ऊपर वाले की, ईश्वर की कह लीजिए या जो भी सुपर नेचुरल पावर है, उसका भी आपके प्रति जो कहीं ना कहीं जो रहम है उसका, या जो एक जो ग्रेस जिसे मैं कहूँ, ग्रेस भी बहुत बड़ी चीज है ईश्वर की। तो मैं इन दोनों का मिश्रण मानता हूं, और ये भी कभी किसी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि मैंने कोई भी चीज का गोल प्राप्त कर लिया और मैं वहां रुक जाऊं। कोई भी व्यक्ति हो चाहे किसी भी काम में, अनवरत आगे बढ़ना ही जीवन है। किसी भी चीज को आप अंतिम पड़ाव मान लेंगे तो वहां से आपकी विकास, आपका ग्रोथ रुक जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, और ज्ञान भी एविरल हो सकता है, आज आप इंपोर्टेंट हो, आज आपने एक परीक्षा पास कर ली, लेकिन वो 20 साल तक ऐसा नहीं है कि आप उसी के नाम पे खाते रहें एक परीक्षा पास करने की, तो आपको अपने आप को हर समय अपडेट करते रहना है। तो ये जो मेरा जो प्रयास है वो प्रयास ये है कि जो जैसे समाज बदलता है, समाज एक डायनेमिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है, लॉ एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसी तरीके से जो समाज है, समाज में जो भी आप सेवा दे रहे हैं, आज से 20 साल पहले लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो आज कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं, लोगों में जानकारी बढ़ गई है। तो अगर हम 20-25 साल पुराने समय जब हम लोग नौकरी में आए, अगर हम उसी चश्मे से देखते रहेंगे समाज को, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे, और जो हमारे से अपेक्षाएं हैं, जो गुड गवर्नेंस से अपेक्षाएं हैं, डेमोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी से अपेक्षाएं हैं, हम उस पर खड़े नहीं उतरेंगे। तो मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोग कभी ट्रेनिंग में होते हैं, ये सभी के साथ होता है, तो बहुत से हमारे जो गुरुजन हैं जो हमें वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, और वहाँ कई बार कुछ लोग ऐसे जुमले भी कह देते हैं जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता अब कि अरे यहाँ जो आपको पढ़ाई हो रही है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या एकेडमी में, ये फील्ड में काम नहीं आएगी, और वहाँ सब कुछ अलग है, ऐसा है वैसा है। तो भाइयों साथियों, ऐसा नहीं है। जो आपको वहाँ पढ़ाया जाता है, ये जो थ्योरी है,
थ्योरी की अपनी महत्ता है, और थ्योरी और प्रैक्टिस इन दोनों में जब तक आप समन्वय स्थापित नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब अगर आदमी को ये कहने लगे कि मुझे आईपीसी सीआरपीसी या जो हमारे कानून है उनका बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है और मैं केवल जीआई के फील्ड में ऐसे ही काम शुरू कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं फिर आप गलत रास्ते पर भटक जाएंगे। तो इनका दोनों का सम्मिश्रण होना जरूरी है। जब भी आप कोई अध्ययन करते हैं उसका लाभ मिलता है, और मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, मैं कई उदाहरण भी दे सकता हूँ। सीबीआई में मैं था, और जैसे कई बार होता है ना कि आप जो चीज़ आपने पढ़ी उसको कई बार प्रैक्टिकल करने का मौका मुझे मिला, ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे जी जिन्हें मैं साइड कर उदाहरण कोई एक सर उदाहरण एक उदाहरण एक ऐसा था, काफी बड़ा इंपॉर्टेंट केस था कि उसमें कहीं पे कोई एक सज्जन, काफी बड़े लेवल का केस था वो, कि वो किसी एयरपोर्ट से उतरते हैं और उतरने के बाद वो किसी दूसरे किसी और बड़े सीनियर आदमी से मिलते हैं जिससे उनका काम होता है, जिससे उनको काम करना है, और उनके पास हाथ में एक बैग होता है। ठीक है, उस बैग को चांस की बात है, कभी कभी मैंने कहा ना बहुत सी चीजों में किस्मत होती है, तो पुलिस को भी बहुत बार किस्मत भी बड़ी काम आती है कि जैसे कई बार ये मैंने अनुभव किया जीवन में, मेरे कई केस ऐसे हैं जो मैं कह सकता हूँ जिसमें मेहनत, लेकिन मैं ये मानता हूँ किस्मत का हिस्सा जो है आदमी को थोड़ा बैक फुट पर रखना चाहिए, पहले मेहनत करो और तब किस्मत पर विश्वास करो, किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो उस केस में क्या हुआ कि हमें किस्मत हमारी अच्छी थी और हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गए जिसमें वो हाथ में एक बड़ा एक बैग ले जा रहे हैं, और दूसरा भी सीसीटीवी कैमरा मिला जब जिस जगह उनको जाना था वहां घर में घुसते हैं तो वहां पे भी उनके हाथ में बैग होता है, लेकिन जब वो वापस निकलते हैं तो वो बैग नहीं है। ठीक है, अब उस बैग में क्या है ये तो हमें भी पता नहीं। ठीक है, अब हमने उनसे ये पूछा कि भाई इस बैग में क्या था, तो वो बैग में बता नहीं रहे क्या है। तो एक सेक्शन है 106 इंडियन एविडेंस एक्ट की, उसमें यह है कि अगर कोई एक्सक्लूसिव नॉलेज है किसी को और वो उसको नहीं बताता, ठीक है, तो फिर उसका एक एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने के लिए एक सेक्शन है 114 एविडेंस एक्ट की। तो अगर आपको एक्सक्लूसिव नॉलेज है और आप उसको नहीं बताते डिस्क्लोज करते तो प्रिजम्पशन ये लिया जाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ थी जी, इसलिए आप उस बात को नहीं बता रहे, नहीं तो आप बताओ कि भाई इसमें क्या चीज थी। तो हमने उनसे यही कहा कि साहब आप ये बताइए इस बैग में आप लेके क्या गए थे और इस बैग को वहां छोड़ के क्यों आए, क्योंकि ये तो सीसीटीवी कैमरे में। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन बना इस दोनों सेक्शन का 106 और 114 का, ये हमने यूटिलाइज किया और इसको उन्होंने चैलेंज किया। फिर चूंकि काफी बड़े आदमी थे सीबीआई में जो केस है उनमें काफी बड़े और बहुत पहुंचेंगे वकील सब फाइट करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली फिर इवन सुप्रीम कोर्ट तक से उसको अप्रूवल मिला। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जो मैंने जब उसको पढ़ा और फिर उसको यूज किया तो काफी उसमें आनंद आता है। तो ये चीज वो है कि ये गूंगे का गुड़ है कि इसके बारे में आप इसको चखने के बाद ही इसका आनंद लिया जा सकता है, तो इसका अपना एक अलग मजा है, काम करने में आपको कंफर्ट होता है। दूसरा मैं एक और छोटा सा उदाहरण के साथ समझाता हूँ इसको कि आपको इन सब चीजों का फायदा कैसे होता है। जैसे मान लिया आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, और ड्राइविंग में आपकी जो गाड़ी है कार है उसका जो स्क्रीन है उस पर कुछ धूल जमी हुई है किसी वजह से जी, तो आप ड्राइव करके ले जाएंगे अपने गंतव्य तक पहुंच भी जाएंगे, ये भी है, जरूरी नहीं है कि आप एक्सीडेंट कर ही लें, लेकिन अगर आप उस शीशे को साफ कर लें और क्लीन शीशे में जो चलाने में गाड़ी में आपको आनंद आएगा वो कुछ कुछ ये है कि जब आप पढ़ा लिख करके और चीजों को क्लियर समझ के जब आप काम करते हैं तो उसमें आपकी ड्राइविंग में जो मजा आता है वो आपको फिर लिखने में अपने काम को करने में वो आनंद आता है। और फिर आपको ये लगता है कि ये भी मैं आपको बात बता दूं कि अभी तक का मेरा 28 साल की उम्र में की सर्विस की उम्र में बता रहा हूँ उसमें मुझे कभी कोई भी कोर्ट से हम किसी केस को हारे नहीं, ये मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। चाहे हमने कोई केस हमने चाहे कोई पिटीशन रही हो या कुछ रहा हो, मुझे शुरू से जब मैं एएसपी था बनारस में, मैं बड़े उसके साथ मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा यहाँ आदरणीय श्री जीएल मीना साहब मेरे एसएसपी हुआ करते थे, तो जो भी पिटीशन आती थी क्योंकि बनारस बड़ा जिला था और बहुत पिटीशन आती थी, हालांकि मैं लॉ का विद्यार्थी नहीं था लेकिन उनके जो जो पॉइंट वाइज कमेंट बनते थे वो मैं खुद बनवाता था
पर नहीं तो होता क्या है कि जनरली नीचे से कोई ना कोई जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है वो लेके आता है और हम लोग थोड़ा बहुत उसमें कुछ काम करके और उसको लौटा देते हैं। तो मैं उस जो पैरावाइज कमेंट बोलते हैं मैं 1-to-1 उसको लिखवाता था और उसे मुझे कई जगह ऐसे अप्रिसिएशन मिले। मेरे डीजीज ने उस टाइम कहा कि कहीं कोई सीनियर कोई एडवोकेट मिले होंगे या कुछ, उन्होंने तुम्हारे काम को बहुत अप्रिशिएट किया। जबकि जब तो मुझे लॉ का ABCD अलग से कोई पढ़ी नहीं थी अलावा ट्रेनिंग के, तो मुझे उसमें अच्छा लगता था। और बाद में फिर ये देखा हमने CBI में भी इस चीज को टेस्ट किया, ATS में किया, उससे पहले जिलों में किया। तो जो आपका नॉलेज है सब्जेक्ट की अगर उसके साथ आप काम करते हैं तो आपको काम करने में आनंद आता है और आपके काम को फिर आपको टेंशन भी नहीं रहती। ये नहीं है कि आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, गलत होना हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन गलत होने के चांस कम हो जाते हैं अगर आपको ठीक ढंग से नॉलेज है। तो मैं यही कहना चाहूंगा साथियों से कि आप इस फिलॉसफी में मत जाएं कि जो हमारी ट्रेनिंग है या जो लिखाई पढ़ाई है वो एकदम अलग है और जो हमारे प्रैक्टिस है फील्ड की वो अलग है। उन दोनों के अंदर सामंजस्य बैठाना या सामंजस्य को स्थापित करना ही लीडरशिप का काम है, हमारा ये दायित्व है। और हम अपने जो साथी हैं जो हमारे सबोर्डिनेट हैं, चूंकि हम सुपीरियर अफसर कहलाते हैं सुपरविजन, तो सुपरविजन जब होगा जब हमारा विजन उनसे सुपीरियर होगा, बिल्कुल, तभी आप सुपरवाइजरी अफसर कहला सकते हैं। तो हम अपने जो सबोर्डिनेट हैं उनको सुपरवाइज करें, उनको अपना विजन जो है वो बेटर विजन के साथ उनके साथ काम करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा और हमारा वो सम्मान भी करेंगे। सर इस डिग्री का श्रेय किसे देंगे? देखो डिग्री का श्रेय तो मैं अपने माता पिता को दूंगा, चूंकि फादर मेरे टीचर थे और कहीं ना कहीं वो जीन्स उनसे आए हुए हैं। और निश्चित रूप से मेरे जो जितने गुरुजन हैं, मुझे गुरुओं का सम्मान करना मेरे अंदर रहता है कि मैं मुझे जिसने पढ़ाया मैं हमेशा ऐसा है, सब तरीके के टीचर्स मिलते हैं लेकिन टीचर्स का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और उसके साथ साथ मेरे अपने परिवारजन, चूँकि जो मेरी माता जी जीवित हैं और पिताजी स्वर्गवासी हो गए, और मेरी पत्नी हैं, बच्चे हैं, सभी दोस्त हैं। तो मुझे जैसे मैं तो मजाक में कहता भी हूँ कि घर वालों को मुझे उनको पता है कि इसे पढ़ने के अलावा कोई और घर आएंगे तो कोई और काम रहता नहीं है, तो इसलिए मुझसे कोई बहुत ज्यादा घर के काम में कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता है। और अब तो वो ऐसी स्टेज हो गई है कि अब उनको लगता है कि कहना सुनना बेकार है, तो इसलिए जो भी मेरा घर पर टाइम होता है, मैं अक्सर कमरे में बहुत कम रहता हूँ, मैं बरामदे में जो है हमारा जो सरकारी घर है तो बरामदे में बैठ के ही मेरा वही किताबों का ढेर लगा रहता है। मेरे घर में इतनी किताबें रहती हैं कि मैं मेरे ख्याल से मुझे और ज्यादा शौक नहीं है, पर किताबें खरीदने का बहुत शौक है। और बहुत बार तो उन किताबों को मैं पढ़ भी नहीं पाता, बट किताबों का कलेक्शन करना भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है, चूंकि आप अगर आप रिसर्च करते हैं और आपके पास जो लेटेस्ट बुक्स या लेटेस्ट लिटरेचर नहीं है तो फिर आपकी रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए वो मेरी एक मजबूरी भी है और उसमें आनंद भी आता है। तो ये एक लाइफ का एक फलसफा है जिसे मैं एंजॉय करता हूँ। जी, अभी आपने चाइल्ड एब्यूज की बात की, लगातार घटनाएं घटती हैं, रोज हम समझाते हैं बच्चों के साथ सुरक्षित तरीके से पेश आइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, कि उस शिक्षा देने के बाद उनमें एक नई कोपलें उगती हैं, नई किरणें निकलती हैं और उनसे उन्हें जानकारी हासिल होती है, लेकिन फिर भी हादसों में या इन सब बातों में कमी नहीं आती। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या, और जिस तरीके से आप इन सब पर लगातार आपने 4,500 केस 4,400 केसों की स्टडी की है तो बहुत कुछ समझा होगा उन केसों में, कई चीजें समानताएं मिली होंगी कई केसों में, एक ही जैसी प्रक्रिया दिखी होगी कि इसी कारण इसी रास्ते से ये बच्चा गुम हुआ या इसी रास्ते से ये बच्चे के साथ ये घटना घटी इसी रास्ते से, मतलब एक ही जैसे अपराध की श्रेणी एक ही जैसी। तो क्या संदेश क्या देंगे ताकि इन पर लगाम लगे? देखिए ये एक काफी वृद्ध विषय है और इस पर मेरे ख्याल से अच्छी ढंग से चर्चा होनी चाहिए। अभी भी हम लोग जो पॉक्सो एक्ट है या जो चाइल्ड अब्यूज है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने में झिझकते हैं। हम अपने बच्चों के सामने जो, चूंकि हमारे पास टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है अभी भी, उनको जैसे बैड टच गुड टच या इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है ये अच्छी है, लेकिन अभी भी हमें जो एक बच्चे के साथ अभी हमें उनके सेक्सुअल बिहेवियर पे या उसमें बात करने में कहीं ना कहीं अभी हमें संकोच होता है और हम उन बारे में ना तो हम स्कूल कॉलेज में बात करते और ना ही घर पे बात करते। तो एक तो इसका हमें कोई माध्यम बनाना पड़ेगा, एक तो ये पहलू है। दूसरी चीज जो है वो आज के समय में चूंकि पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली हो गई और जो पहले कंबाइंड फैमिली होती थी तो बच्चे जो है
उनको एकाकीपन नहीं होता था, उनको अकेलापन नहीं मिलता था और ना ही उन्हें अकेलापन लगता था। तो दो पहलू हैं, अकेलापन मिलना, अब क्या है कि वो उसका हर एक का बच्चे का कमरा अलग कर दिया। अब वो रात को, वो रात में कितने बजे तक क्या देख रहा है, सबके पास मोबाइल फोन है, वो किस तरीके की वेबसाइट को सर्फ कर रहा है, अच्छी है खराब है, पोर्न है, क्या चीज है। तो एक तो ये पहलू हो गया। पेरेंट्स को ये लगता है कि हमने इनको सब सुविधाएं दे दी तो हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया। तो ये एकाकीपन की जो लाइफ है ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन पॉक्सो का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि एक तो जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में भी सेक्सुअल अब्यूज होता है बच्चों का, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता। एक तो ये पहलू है, इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि न केवल बच्चों के साथ बल्कि बड़े जो अडल्ट भी जो सेक्सुअल अब्यूज है, चाहे वो ज्यादातर तो फीमेल के साथ ही है, उनमें एक्विटेंस रेप या एक्विटेंस सेक्सुअल ऑफेंस ज्यादा होते हैं। एक्विटेंस का मतलब जाने पहचाने लोगों के द्वारा, जी लगभग 85% मामलों में। और ये केवल हमारे भारतवर्ष की संख्या नहीं है, ये 85 से 90% लगभग जो केस हैं वो एक्विटेंस सेक्सुअल अब्यूज के केस हैं, जिनमें जो अपराधी है, जो अब्यूजर है, वो परिचित आदमी है, घर का आदमी, फैमिली के लोग। तो ये अब वो बच्चा कैसे कहे इस बात को कि मेरा घर का ही कोई आदमी इस तरीके का घटना कर रहा है मेरे साथ। कई बार उस बच्चे को पता नहीं होता, छोटे बच्चे को, कि ये क्या है। तो ये एक इस तरीके का एक परिदृश्य है। तो इसमें हम केवल बच्चों को ही दोषी बताएं ये भी ठीक नहीं है। ये हमारी कहीं ना कहीं जो परवर्टेड मेंटेलिटी जो हो रही है समाज के अंदर, हमारे जो आदर्श हैं या जो हमारे जो एथिकल वैल्यूज हैं, इस पर हम चर्चा ही नहीं करते। कभी हम आपसे बात भी करना चाहूंगा मैं कि जो हमारे मोरल्स और एथिक्स, बिल्कुल बिल्कुल, क्या अंतर है या इनका हमारे समाज से क्या जुड़ाव होना चाहिए। हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से अगर बात करें कि आप जरा एथिक्स के ऊपर 5 सेंटेंस बोलिए, और मैं ये सभी से, जो जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे भी ये अनुरोध करता हूं कि आप जरा सोचिए कि क्या हम 5 सेंटेंस एथिक्स के ऊपर बोल सकते हैं। क्या हमें वास्तव में ये है, हम बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। धर्म हमें सबसे ज्यादा तो एथिक्स ही सिखाता है, लेकिन हम ना तो धर्म को समझ पाए ना समाज को समझ पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें बच्चों को ये बताना होगा कि क्या गलत है क्या सही है, मोबाइल फोन को कैसे यूज करें, कहाँ उसका अब्यूज हो सकता है, कहाँ उसका मिसयूज हो सकता है। हमारे ना स्कूल में कभी हम बच्चों से बात करते इस बारे में, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे खराब हैं या सब बच्चे एक ही जैसे हैं, लेकिन उनका जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप उन्हें क्या किस तरीके की शिक्षा दे रहा है। अरे भाई ये देखो, ये बड़ा अच्छा वो आया है, ये ऐप आया है, ये आया है। तो कोई भी नया ऐप आता है अगर, तो स्कूल के कोई टीचर ऐसे रखने चाहिए जो कंप्यूटर पढ़ाते हो, या ये जो उस ऐप की बारे में बताएं कि इस ऐप को यूज करना है नहीं करना है, इसके ये नुकसान हो सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे ऐप आए बीच में, जो बच्चों ने, जिन्होंने बहुत सारे सुसाइड कर डाले उसके चक्कर में, जो उसको कहते रहे, लेकिन कहीं इस पे खुले में चर्चा हमने नहीं की कभी भी। तो ये एजुकेशन वाला पार्ट है, इसकी बहुत जरूरी चीजें हैं। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में एजुकेशन देना, उन बच्चों को अवेयर करना, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। निश्चित मैं इस पर चर्चा आपसे करूंगा और सीरियल वाइज भी करूंगा कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, जिस तरीके से आप समझाने का प्रयास करते हैं तह में जाकर, तो निश्चित रूप से लोग समझना चाहेंगे तो समझेंगे। बाकी तो हरी इच्छा हर की कथा अनंत है, वैसे ही हमारे यहाँ का तो भारतवर्ष का सिस्टम भी अनंत है। आप जैसे समझाने का प्रयास करते हैं, अगर समझेंगे तो सबके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सर बस अंतिम सवाल आपसे, डिग्री हासिल कर ली है, अब विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं, तो क्या संदेश देंगे दर्शक? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं कोई संदेश दूं, लेकिन जो मेरे अपने जीवन के अनुभव हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी दायित्व को हम निभा रहे हैं, उसे हम ईमानदारी से मेहनत के साथ करें। हम अपनी पूरा जो हमारे अंदर जितना जज्बा है, जो हमारा बेस्ट है, अगर हम उसे किसी भी जगह पे हैं, तो मैं समझता हूँ राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र की जो सबसे बड़ी सेवा है, वो हमारी सेवा को हम किस तरीके से दे रहे हैं देश को, वो सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। तो किसी भी पोजिशन पर हम हैं, कोई बड़ी पोजीशन छोटी पोजीशन नहीं होती, ये रोल है,
ये जो है एक रंगमंच है, उस पर हर आदमी को अपना अपना रोल निभाना है। तो हम अपने काम को ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ हम काम करें, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि हम नौकरी मांगते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो फिर उसमें नौकरी ना करने पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अपने जो दायित्व हैं उनका हम सही ढंग से निर्वहन करें, और इसमें तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, मैं समझता हूँ। मेरा यही कह कि आप हम सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, बस हम अपने अंदर जो अपने मन का जो जीव है उसकी आवाज को सुने। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थे हमारे साथ आईपीएस डॉक्टर जी के गोस्वामी, जिन्हें विश्व का ये पहला डिग्री हासिल हुई है, जिसके लिए उन्होंने अथक पढ़ाई के बाद, अथक प्रयास के बाद प्राप्त किया है। और उनका संदेश है कि हम अपने अंदर के जीव को जानें, और वो जीव जो अंदर से अंतर मन की आवाज देता है वो सब तय करता है आपका मुकाम, आपका फलसफा और आपकी जिंदगी का वो अंतिम स्थान। इसी के साथ फिर किसी नए मेहमान के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए विदा लेंगे। नमस्कार।